आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जहां पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं इसी क्रम में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक में भी भाजपा जिला महिला मोर्चा द्वारा ग्राम पलांदुर में महिला सम्मान अलंकरण समारोह आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव और जिला पंचायत अध्यक्ष गीता साहू उपस्थित रहे, जहां विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली लगभग 100 महिलाओं को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित किए गए महिलाओं में जहां इस सम्मान को लेकर उत्साह देखा गया, तो वहीं मुख्य अतिथियों ने महिला मोर्चा के इस प्रयास को सकारात्मक पहल बताते हुए सराहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आज 8 मार्च को मैं सभी अपनी पूरे छत्तीसगढ़ की बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम पूरे ज़िले से ऐसी महिलाओं को का सम्मान कर रहे हैं जो समाज में एक उत्कृष्ट कार्य करके अपना योगदान दी है, और उनके वजह से आज पूरा महिला और जितने भी मातृ शक्ति हैं उनको एक गौरव मिला है। और आज हम जैसे कि नर्स जो कोरोना अभी कोविड-19 के तहत जिन्होंने अपना बहुत अच्छा सेवा दिया है, हमारी सफाई कर्मचारी, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, मितानिन और कुछ समाज सेविका, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ऐसी हमारी बहनें हैं, और लोक गायिका जो कि कोरोना में बहुत गाकर लोगों को जागरूक करने का काम की है, समाज से ऐसे गांव से भी हमारी जो सरपंच बहने हैं उन लोगों ने भी बहुत अच्छा है। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये कार्यक्रम आयोजन किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्राम पलांदुर में मधुसूदन भैया के दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया, अनेक क्षेत्रों से आए हुई महिलाओं को बहुत सारे सम्मान व उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार उन्हें सम्मान दिया गया। मैं चाहती हूँ कि हमेशा हर वर्ष यहाँ इस गाँव में ऐसे ही प्रोग्राम होते रहे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय। आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की इकाई ने ग्राम पलांदुर में महिला दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह रखा गया। यहाँ की बुज़ुर्गों का, यहाँ के मेरिटोरियस बच्चों का, और जिन्होंने कोरोना वायरस के रूप में पूरे क्षेत्र में बेहतर काम किया था, उन सब लोगों का यहाँ सम्मान किया गया। निश्चित रूप से एक रचनात्मक और सकारात्मक सोच का परिणाम है। मैं पंचायत के सभी प्रतिनिधियों का, ग्रामवासियों का और महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतर कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया।